जो पावरफुल होता है वो अपनी जगह पर अटल रहता है, या जो कमजोर होता है वो अपनी जगह पर अटल रहता है? पावरफुल होता है जिसमें ज्यादा दम डकार होती है, वो अपनी जगह पे स्थिर होकर के रहता है। हिलना डुलना किसको पड़ता है? जो कमजोर होता है। एक जगह चुंबक रखी हुई है पत्थर, और एक जगह नजदीक में सामान्य लोहा रखा हुआ है, कौन हिलेगा? चुंबक पत्थर अगर भारी है साधारण लोहे के मुकाबले, तो लोहे को ही झुकना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। इसलिए रुद्रमाला के मणके प्योरिटी में कमजोर है। सच्चाई तो है, लेकिन सच्चाई होने के बावजूद भी जन्म जन्मांतर के संस्कार इम्प्योरिटी के हैं। तो अभिविचारी वृत्ति को पकड़ना पड़ेगा। जब बुद्धि में बात बैठ गई कि मूल हमारा साथी कौन है 21 जन्म का, तो बुद्धि एक ही तरफ जानी चाहिए या अनेकों तरफ जानी चाहिए? एक ही तरफ जानी चाहिए। तो माता का प्रश्न यह है, अंत में रुद्रमाला के मणके विजय माला में जाकर के मिलेंगे, या विजय माला के मणके रुद्रमाला के पास जाएंगे मिलने के लिए? किसको हिलना पड़ेगा? दुनिया के सारे काम प्योरिटी से होते हैं। आप आगे आ जाइए, इतना धीरे क्यों बोलते हैं? शंकर पार्टी कौन सी होती है पार्टी? आप कौन से ब्रह्मा कुमारियों से आए क्या? ये शंकर पार्टी कहाँ से आ गई? ये किसकी भाषा है? ये ब्रह्मा कुमारियों की भाषा है या एडवांस पार्टी वालों की भाषा है? ब्रह्मा कुमारियों। ये भाषा आप कहाँ से ले आए? किसको नहीं मानते? तो शंकर पार्टी क्यों कहते हैं? समझाने के लिए शंकर पार्टी कहा जाता है। माने बाप दादा से ज्यादा आपकी समझानी अच्छी है। बाप और दादा ने तो कभी किसी वाणी में, कभी किसी मुरली में, कभी किसी संदेश में शंकर पार्टी नहीं बोला। ये शंकर पार्टी, ब्रह्मा पार्टी हम बच्चों की भाषा नहीं है, ये शूद्रों की भाषा है। और आगे रुद्रमाला जो रुद्रमाला की जो बनते हैं, तो हम लोग क्या बोले बेसिक वाले, उनमें दूसरे धर्म की आत्माएं नहीं है क्या? अरे बेसिक धर्म वाले जो बेसिक की भी आत्माएं हैं, वो जड़े हैं ना, उसमें दूसरे धर्म की जड़े नहीं है क्या? हैं? उसमें सारे ही चंद्रवंशी हैं या इस्लामी बौद्ध भी क्रिश्चियन भी भरे पड़े हैं? हाँ? दूसरे धर्म की आत्माएं भी भरी पड़ी है। बहुत चुने हुए चुनिंदा हैं जो असल चंद्रमा को फॉलो करने वाले चंद्रवंशी हैं। हाँ जी, माता की बात पूरी होने दो, बात समझ में आ गई? अरे धड़ाधड़ बात करो, है?
समझ में आ गए आ गए यहाँ आगे चलो। हाँ बाबा अष्टदेव अभी जो बोला है बाबा ने कि रुद्रमाला को विजयमाला के आगे जाना पड़े बुरा लग गया क्या? बाबा जो बोले कि संपन्न माला विजयमाला और रुद्रमाला के आने के बाद ही बनती तो अष्टदेव की माला जो है वो तो पांचवी डोनर है तो उसको संपन्न माला नहीं कहेंगे। अष्टदेव जो है वो अष्टदेवों में भी संपन्नता तब आएगी जबकि डबल बनेंगे या सिंगल होने से ही हो जाएंगे। फिर ये आपस में भाई भाई हैं या भाई बहन हैं या पति पत्नी हैं क्या है? हाँ भाई भाई हैं, ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं ब्रह्मा की औलाद भाई बहन है, ब्रह्मा कुमार कुमारी है, इससे जाती तो आगे नहीं बढ़ेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी माने ब्राह्मण, ब्राह्मण जब तक है तब तक अवस्था ऊंची नीची होती रहेगी। उनकी माला बन नहीं सकती, संगठन पक्का नहीं तैयार होगा। माला माने संगठन, राजधानी तब तैयार होगी जब प्रवृत्ति मार्ग तैयार होगा। और प्रवृत्ति मार्ग के लिए पुरुषार्थी समान चाहिए या असमान पुरुषार्थी चाहिए? समान पुरुषार्थी चाहिए। रुद्रमाला में सब बादशाह है, कोई झुकने वाला नहीं है, सहन शक्ति 100% कोई में भी नहीं है, है? हाँ तो बाबा फिर जो यानी जब तक पांचवी दर हम ऑनर नहीं करते तो यानी जब तक पूरी माला दो का नंबर निकल गया कि पांचवी दानर हैं और पांचवी दानर की लिस्ट में रहेंगे, माना सूर्यवंश का बीज और चंद्रवंश का बीज ये दो डिक्लेयर हो गए बस। फिर बाबा आठ जो होंगे पूरे तो एक साथ अभी प्रत्यक्ष नहीं होंगे? अभी नहीं होंगे और कब होंगे? सत्युग में होंगे? नहीं बाबा जब विजय माला जब ऐड होगी तब। विजय माला अभी ऐड नहीं होती जा रही है, नंबर वन है उसमें विजय माला का नंबर वन मन का ऐड नहीं समझते हो बुद्धि में? ऐसे ही है बाबा। देवकी को देवकी जन्म कृष्ण को देती है और नंदा की यहाँ पालना होती है तो ये इसका क्या होता है? विदेश में पालना होती है क्योंकि विदेश में भगवान को प्रत्यक्ष होना है, विदेश से भगवान प्रत्यक्ष होता है। विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, स्वदेशियों में तो दम डकार ही नहीं है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, उनको नंद कहा है? आनंद देने वाले, नंद माना है प्रसन्नता। और बाबा को ज्ञान में कहते हैं जो ज्ञान में आते हुए बाबा के बाबा ने उनको वरदान दिया है कि सारा परिवार आगे चलकर जो अकेले चलते हैं ज्ञान में, ऐसी तो कोई बात नहीं कि जो अकेले ज्ञान में चलते हैं उनको वरदान मिला हुआ है परिवार में बाबा। हाँ जो भी एडवांस में चल रहे हैं उनको ये वरदान मिला हुआ है कि उनका पूरा का पूरा परिवार एक दिन ज्ञान में चलेगा, इसलिए निश्चिंत तो हो जाना चाहिए। और बाबा ये और बाबा ने कहा है कि फिर आगे चलकर इतना तंग करेंगे परिवार वाले कि बिना मुश्किल में जाएगा, ये भी कहा परिवार वाले तंग करेंगे, सारी दुनिया तंग करेगी, राजा कैसे साबित होंगे? है राजा का कंट्रोल के पूरी प्रजा के ऊपर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? प्रजा के मुकाबले राजा ज्यादा पावरफुल होना चाहिए या कम पावरफुल साबित होना चाहिए? पावरफुल कैसे साबित होंगे, यह परीक्षा तो देनी पड़ेगी। बाबा हाँ। ये अभी जो शरीर चोले से माने उम्र से जो छोटी मम्मी है वो उम्र से मतलब शरीर चोले से बड़ी है और बड़ी मम्मी जो है वो शरीर चोले से छोटी है, तो आदि में यही दो आत्माएं शरीर के मतलब उम्र से कौन बड़े थे और कौन छोटे थे? यहाँ का कोई ज्योतिषी बैठा हुआ है क्या? है? अरे दुनिया में ये चलन है
कि जो उम्र में ज्यादा होता है उसकी ओर आकर्षण कम होता है, और जो उम्र में कम होता है उसकी ओर आकर्षण देवान के कारण ज्यादा हो जाता है। राज करेगा खालसा, सारी दुनिया में खालसा कौन से धर्म में होता है? तो सिख धर्म से निकला हुआ खून, जिस खून के लिए अव्यक्त वाणी में बोला है कि पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे चली गई, उसका महत्व है या नहीं है? है? लेकिन देह अभिमान होने के कारण राज करेगा खालसा, देह अभिमान होने के कारण चिकना मुंह बिल्लियां चाटती हैं, बुद्धि पलट देती है, सारे ब्राह्मण परिवार के ऊपर वो राज्य करेगी। आखिरी पूरे ब्राह्मण परिवार में ये स्थिति आ जाएगी। जय मां काली, जय माता दी। फिर बिल्कुल आखिर में जाकर के सीढ़ी में क्या दिखाया है? डूब जा। लेकिन बाबा अभी आखिरी सत्य बाप प्रत्यक्ष होगा, और जो भी गुरु गुरुडम आदि है, जो भी देहधारी है, वो सब पराभव को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए देह अभिमानी जो है वो देह के ऊपर आकर्षित हो जाते हैं, जो आत्मा अभिमानी मुट्ठी भर सूर्यवंशी आत्माएं होंगी वो कभी भी देह के ऊपर आकर्षित होने वाली नहीं बनेंगी। और मुरली में कहा कि जब योगी थे तो 150 वर्ष आयु थी, जब भोगी बन गए तो गर्भ में एक बनते हैं। करती है कि आत्मिक स्थिति है तो आयु लंबी है, क्योंकि आत्मा रूपी बीज पावरफुल है, और जब आत्मा रूपी बीज देह मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी का असर हो जाता है, तो ताकत कम हो जाती है। आत्मा देहबानी है तो उम्र भी कम हो जाती है, आत्मा जितनी आत्माभिमानी है उतनी उम्र भी लंबी हो जाती है। बीज जितना पावरफुल होगा उसका वृक्ष भी लंबे टाइम तक जीने वाला होगा, और बीज कमजोर होगा तो उसका वृक्ष भी कम समय तक जीवित रहने वाला होगा। बाबा जी, संगम पर ये दुर्गा का ही गायन ज्यादा क्यों होता है, और ये जन्म के लिए संगम पर दुर्गा का गायन होता है? अरे संगम पर शिव बाबा का गायन होना चाहिए, ये क्या बोल दिया? नहीं नहीं, अभी अभी ये कलयुग की शूटिंग का हो कि संगम में जब कलयुग की शूटिंग होती है तब दुर्गा का गायन, देवियों का गायन ज्यादा होता है। ज्यादा दुर्गा का ही होगा। हाँ जी, क्योंकि मरने वाले ज्यादा संख्या में होते हैं या जिंदा रहने वाले नई दुनिया में ज्यादा संख्या में होंगे? संगम युग के अंत में मरने वालों की संख्या ज्यादा होगी या अमर देवताओं की संख्या ज्यादा होगी? मरने वाले संख्या में बहुत हैं, इसलिए किसकी पूजा करेंगे? है? और वो जल्दी पावन भी होती बोलते नहीं, एक जन्म के जो देवी की पूजा करते हैं वो जल्दी पावन हो जाते हैं? नहीं, देवी पावन होती उनको। देवी पावन होती है, प्रसन्न होती है। देवी प्रसन्न होती है किसके ऊपर? असुरों के ऊपर। देवताएं तो उनकी पूजा ही नहीं करते। नहीं, उनकी समस्या, उनकी समस्याएं जो होती हैं असुरों की, वो सिर्फ ज्ञान धन प्राप्त करने की होती है कि सब प्रकार की इच्छाएं होती हैं अच्छी बुरी? तो फिर कैसी प्राप्ति करेंगे? तो उनको समझ ही नहीं रही। तो समझ देने के लिए आया तो हुआ है, अब समझ देने के लिए आप बैठे हुए हैं ना, उनको समझ दीजिए, या उठा उठा के भगवान की सभा में ले आएंगे? मनसा की देती हूँ बाबा, इसी को जनता नहीं मानती।
हाँ जी है मर्ज, मर्ज करना माने समय देना, जैसे सागर में से चुल्लू भर पानी लिया, वो चुल्लू भर पानी अलग है और चुल्लू भर पानी को सागर में डाल दिया, वो मर्ज हो गया, समाय गया। बाबा मुरली में बोला है कि जो रोते हैं वो खोते हैं। बिल्कुल, भगवान आया हुआ है तो खुश होना चाहिए या रोना चाहिए? हैं? अरे खुशी का सागर आया हुआ है, सुख का सागर आया हुआ है, सुख का सागर दुख देगा या सुख देगा? सुख ही सुख देगा, तो फूल के गरगोटा हो जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा तो होता है बाबा, हाँ? बाप को देख के एकदम आंसू आ जाते, क्यों? वो बात अलग है, वो खुशी के आंसू आते हैं या दुख के आंसू आते हैं? है? कोई बहुत दिनों के बाद मिलता है, कोई बच्चा है माँ बाप से बिछड़ गया और बड़े लंबे समय के बाद, बीसियों वर्षों के बाद फिर माँ बाप से मिलता है, तो बच्चे को देख करके माँ बाप के आंसू आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे, तो खुशी के आंसू है। क्या संभव बात असंभव संभव हो गई? बाबा शंकर पार्वती का जो 16 सोमवार का व्रत रखते है, शंकर पार्वती का 16 सोमवार का जो व्रत रखते हैं और वो सुहागिन वो मंदिरों में दूसरे सुहागिन को दान देते हैं, तो उसका रहस्य क्या है? सोमवार का जो दिन है वो सोमवार के दिन शिव के ऊपर लोटी चढ़ाते हैं। क्या लोटी है? उस बुद्धि रूपी लोटी की यादगार जिसमें थोड़ा सा दूध डालते हैं और बाकी सारा का सारा पानी होता है, वो है उन कन्याओं माताओं की यादगार जिनकी बुद्धि थोड़ा सा ज्ञान उठाती है और थोड़ा सा ज्ञान उठाने के बाद भी सारा का सारा पानी का पानी ही है, लेकिन वो बुद्धि शिव बाबा के ऊपर अर्पण हो गई, अर्पण हो गई तो सुहागिन बन गई या कुंवारी रह गई? सुहागिन बन गई, इसलिए वो यादगार चली आ रही है। बाबा हाँ, शिवलिंग ऐसे होते हैं जिनका ऊपर में टोकरी नहीं होती, गर्भगृह जैसा अंदर में जल भरा रहता है, जलकुंभ जैसा, तो जलकुंभ भरा रहता है, तो उसका अर्थ क्या? तो शिवलिंग के ऊपर, हाँ शिवलिंग ऊपर का टोकर नहीं रहता और अंदर से माने ऐसा खोल रहता है, जल भरा रहता है, तो है? जल कभी निकल कम नहीं होता, ऐसे शिवलिंग है बाबा, ऐसे ज्योतिर्लिंगम है, ज्योतिर्लिंगम है, चंद्रपुर में ही है बाबा ऐसे। ऐसा तुंडे तुंडे मतर बेटा, जिसको जो मन में आया सो बना दिया। नदी के किनारे है बाबा, हाँ जी। बाबा सतयुग में सबके पद देकर बाबा का जाएंगे, सतयुग में सबके पद देकर बाबा का जाएंगे, पद देकर सबको पद देकर, सबको पद कहाँ देंगे? 500-700 करोड़ सबको पद कहाँ मिलता है? हाँ, 500 करोड़ की जो माला है उसमें सबको अपना अपना पद मिल जाएगा, पद माने नंबर। बाबा बाबा कहाँ जाएगा पूछ रहे ना? बाबा परमधाम में जाएगा और कहाँ जाएगा? बाबा परमधाम में पहले नंबर में नहीं जाएगा, है? जाएगा बाबा के पीछे पीछे सब जाएंगे। बाबा तानसेन, तानसेन में इतनी पवित्रता थी कि उसने अपने पवित्रता से संगीत में इतना श्रेष्ठ स्थान पा लिया था कि वो यानी इतना श्रेष्ठ बन गया है कि कभी उसे कोई हरा ही नहीं सका, इसलिए उसे अहंकार आ गया। मगर जब बैजू बावरा की उसके साथ प्रतियोगिता लगाई तो बैजू बावरा ने उसे हरा दिया, हाँ। तो उसमें श्रेष्ठ कौन? तानसेन जिसमें पवित्रता थी या बैजू बावरा? तानसेन में पवित्रता कैसे होगी? जो पवित्रता वाली आत्मा होगी वो राजा होगी या राज सभासद होगी? अरे पवित्र आत्माएं राजा बनती है
या उनकी सभासद बनती है, पवित्र आत्मा राजा बनती है। न तानसेन ज्यादा प्योरिटी वाला था, न बैजू बावरा ज्यादा प्योरिटी वाला था, दोनों किसके सामने झुकते थे? है? राजा के सामने झुकते थे। तो जिसके सामने झुकते होते हैं तो प्योरिटी झुकती है या इम्प्योरिटी झुकती है? इम्प्योरिटी झुकती है। मगर वो माहौल पूरा चेंज कर देते ना बाबा, अकबर को चेंज करके दास बना ले बाबा। 2012 में कैसे है, उपन्यास पढ़ना बंद कर दो नहीं तो वही बातें देहदारियों की बुद्धि में चलती रहेंगी, शिव बाबा भूल जाएगा। पकड़ना है ऊंचे से ऊंच को, और बुद्धि पकड़ लेगी नीचे लोगों को। बाबा 2012 में कि बाबा की सारी दुनिया में प्रत्यक्षता हो जाएगी 2012 में। हाँ ऐसे है। ये कौन सी मुरली में बोला है? 2012 में सुना। 2000 में सुना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना। और अरे और बात बाद में करो, पहले ये बात तो पक्की कर लो कि 2012 में प्रत्यक्षता नहीं होनी है। है? पढ़ा है, जो अखबारों में पढ़ी हुई बातें होती है वो सब सच्ची होती है। नहीं पढ़ा है, है? अखबार में नहीं पढ़ा, मुरली में पढ़ा है। मुरली में ये 2012 में शिव बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा? किताब में पढ़ा है ना। किसकी किताब में, किसकी लिखी हुई? कोई की भी लिखी हुई पढ़ लो, कल्याण ही कल्याण है। हाँ 2018 में हो जाएगी प्रत्यक्षता। अरे प्रत्यक्षता भी सबके सामने हो जाएगी कि 8 की बुद्धि में पहले प्रत्यक्ष होगा? सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा प्याले? प्रत्यक्ष होना, बाप जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेगा तो पहले परिवार के बीच में जन्म लेगा कि मोहल्ले वाले जानेंगे, कि जनपद वाले जानेंगे, कि एरिया वाले जानेंगे? पहले तो जो नजदीकी परिवार की आत्माएं होंगी वो पहले जानेंगी। सबके सामने बच्चा नहीं प्रत्यक्ष हो जाता है एकदम, वो तो तब प्रत्यक्ष होता है जब ढोल बाजे नगाड़े बजते हैं। बच्चा पैदा होता है तो बाजे बजाए जाते हैं ना, तो बाजे बजाए जाते हैं तो लोग देखते हैं ये क्यों बाजे बज रहे हैं, क्या बात है, तो पता चलता है हाँ बच्चा पैदा हुआ। ज्ञान के बाजे तुम्हें पसंद नहीं आए? बाबा 12 ज्योतिर्लिंगम में जो है अष्टादी और नष्टादी से प्रत्यक्ष हुए, मतलब प्रैक्टिकल में उनकी यादगार है, पूजा होती है, तो वैसे ये अष्टविनायक की यादगार किस माला के मन के से होती है बाबा? माला के मन के अष्टादियों में से है या सिंधी के चित्र में जो गणेश हनुमान दिखाए गए हैं वो अव्वल नंबर गणेश और हनुमान कौन है? ब्रह्मा बाबा, राम और कृष्ण की आत्मा। जो अष्टदेव बनते हैं वो ही सबसे बड़े सुन वाले और पूछ वाले बनते हैं, कोई दूसरे बनते हैं क्या? और बाबा मीरा ने इतना भक्ति मार्ग में कृष्ण को प्यार किया तो वो अभी ज्ञान में आई होंगी क्या? अच्छा मीरा विष नहीं पीती है? अरे मीरा विष पीती है कि नहीं? विष का प्याला राणा जी भेजो सो सुन पी मीरा हाँसी रे, खुशी हो जाती है, खुशी खुशी विष पीती है। वो पार्ट अभी कहाँ बजता है? हैं? संगम युग में वो पार्ट बजता है, हैं? अरे महाकाली और महाकाल का पार्ट क्या है? विष पीने का है या अमृत पीने का है? हैं? विष पीती है। ये आसुरी बच्चे हैं जो कन्या माता है विष न पीना चाहे तो भी विषय विकारी बनाते हैं। मीरा ने तो विष का प्याला भगवान की याद से, हाँ तो भगवान की याद से पिएंगी तभी तो शंकर भगवान महाकाली के मस्तक पर बैठे हुए दिखाई जाते हैं, बिना याद के बैठे हुए दिखाई जाएंगे क्या?
अरे मस्तक में याद होगी तभी तो बैठे हुए चित्र में दिखाए हैं। बाबा ये बच्चा कहता है कि गुलजार दादी के तन में, आत्मा कहता है कि गुलजार दादी के तन में शिव बाबा आते हैं, तो दूसरे दादी के तन में क्यों नहीं आते? गुलजार दादी के तन में शिव बाबा आते हैं ये बच्चा कहता है, आप भी कहते हैं? ब्रह्मा ब्रह्मा गुलजार दादी के तन में ब्रह्मा बाबा आते हैं, तो दूसरे दादी के तन में क्यों नहीं आते? अच्छा तीसरी दादी के तन में नहीं आ सकते? चौथी दादी के तन में और दादाओं के तन में नहीं आ सकते? मुरली में तो बता दिया है कि बाप दादा बच्चों में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन शिव बाबा का सिर्फ एक ही मुकर्रर रथ है। शिव बाबा सब बच्चों में प्रवेश नहीं करते, लेकिन ब्रह्मा की आत्मा बहुत बच्चों में प्रवेश कर सकती है। हाँ कोई में अब्बल नंबर में प्रवेश करेगी तो वो कौन हुआ? गुलजार दादी। बाबा जी और संगम युग पर आत्मा ये शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जाके पार्ट हो जाएंगी, तो ये इसका मतलब क्या है? ये शरीर से आत्मा निकल के इसके शरीर से समझो ये पीके वालों के शरीर से या पीबी के वालों के शरीर से? नहीं ये नहीं हुआ है? नहीं मुरली में बोला है। मुरली में क्या बोला है? आखिरी आखिरी अगर पार्ट बजाना हो है? तो एक शरीर से आत्मा निकल के दूसरे शरीर में जाके पार्ट बजाए। ब्रह्मा बाबा की आत्मा एक शरीर से निकल गई और दूसरे शरीरों में पार्ट बजाए रही है, तो क्या कहना चाहते? तो बाबा प्रवेश करते हुए वो आत्मा तो गिनती रहती है, वो आत्मा तो गिनती रहती ना प्रवेश करने वाली। हाँ, क्यों ब्रह्मा बाबा को सूक्ष्म शरीर नहीं है? क्या पूछना चाहते हैं? सोच लो समझ लो फिर बाद में पूछ लेना। और बाबा शंकर जी के मस्तक में तो आधा चंद्रमा दिखाते हैं, तो शंकर जी के मस्तक में आधा चंद्रमा दिखाते हैं तो महाकाली के मस्तक पर भी आधा चंद्रमा, महाकाली के मस्तक में भी आधा चंद्रमा दिखाते हैं। दोनों में ही ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, लेकिन अधूरी सोल प्रवेश करती है या संपूर्ण सोल प्रवेश करती है उसी की यादगार है। बिंदी को समझ नहीं सकती बाबा। क्या बिंदी को क्या समझना है? बिंदी को कुछ नहीं समझती। कुछ नहीं समझ सकती? आधार लिए बगैर हाँ शरीर का आधार लिए बगैर कुछ नहीं समझ सकती। जब तक बिंदी शरीर का आधार नहीं लेगी तब तक क्या समझेंगे? कैसे समझेंगे इस बिंदी का क्या पार्ट है? तो फिर ब्रह्मा जब शरीर में प्रवेश करके तो उनको कैसा समझता कि अपना वो बिंदी है कि सूक्ष्म शरीर है? अरे ब्रह्मा की सोल सूक्ष्म शरीर है गुलजार दादी में कि बिंदी है? ब्रह्मा में बिंदी प्रवेश करती थी शिव की, तो पता ही नहीं लगता कब प्रवेश की कब चली गई। गुलजार दादी में तो प्रवेश करते ही पता लग जाता है, लाल 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 टमाटर जैसा चेहरा हो जाता है, सबको पता लग जाता है कि सोल आ गई। और मुरली में बोला है कि जो बिंदी है शरीर से निकल के अलग रहेगी और ये शरीर अलग रहेगा और बिंदी अलग रहेगी, तो संपूर्ण पुरुषार्थी बच्चों की यादगार है। संपूर्ण पुरुषार्थी जो बच्चे होंगे जिनका सूक्ष्म शरीर खलास हो चुका होगा, जिन्होंने मनन चिंतन मंथन की स्टेज से अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ा दिया, बिंद रूप स्टेज में स्थिर हो गए, निसंकल्प बन गए, उनको ऐसा अनुभव होगा। जिनके संकल्प और विकल्प अभी तक भी चल रहे हैं वो तो जैसे सूक्ष्म शरीर में कार्य कर रहे हैं, बिंदुरू को बने ही नहीं है अभी, बार बार संकल्पों विकल्पों में बुद्धि दौड़ती रहती है, वो कैसे अनुभव करेंगे आत्मा अलग और शरीर अलग? वो आखिरी स्टेज रहेंगे? नहीं आखिरी स्टेज मैं आत्मा ज्योति बिंदु और दूसरा कोई संकल्प ना आए। बाबा कोई कोई भाई बोलने के मुताबिक चलते नहीं है,
अपने के लिए कर सकते हैं। तो वैरायटी झाड़ है, तो वैरायटी झाड़ में कोई कैसे है कोई कैसे है, दुनिया में लोग जास्ती ऐसे होते हैं जो बोलते बहुत हैं और करते बहुत कम हैं। झाड़ों में भी ऐसे झाड़ बहुत होते हैं जिनमें पत्ते ही पत्ते बहुत होते हैं, फूल आते ही नहीं। कोई ऐसे झाड़ होते हैं जिनमें फूल भी होते हैं पत्ते भी होते हैं, कोई ऐसे झाड़ होते हैं जिसमें फूल ही फूल दिखाई पड़ते हैं, पत्ते और फल दिखाई ही नहीं पड़ते। ऐसे ही दुनिया में मनुष्य तीन प्रकार के हैं, जैसे बादल कोई गरजते हैं बरसते भी हैं, कोई बादल गरजते बहुत हैं बरसते हैं ही नहीं, कोई ऐसे हैं जो बरसते ही बरसते हैं गर्जना करते ही नहीं। तो इसमें कोई अचंबा खाने की बात नहीं है कि ऐसे क्यों है, उनको चेंज कर सकते हैं तो करो। बाबा जो राम बाप है तो जो जो बच्चे हैं सब रुद्रमाला के, तो आखिरी टाइम में जो तपस्या होंगी तो बाप साथ में ही रहेंगे ना सबके? बच्चे होंगे तो साथ में रहेंगे, कच्चे होंगे तो कैसे साथ में रहेंगे? कैसे भी हो लेकिन बच्चे तो कैसे भी कैसे हो बता दिया, जो आत्म की स्थिति में होंगे तो बच्चे तो बना देंगे, जो देवान बना कैसे का कोई जादूगर है यूं किया और बन जाएंगे तो 500 करोड़ को ना बना दे जादू के नहीं, और 500 करोड़ को बनाए ना फिर नहीं क्यों अरे जो पुरुषार्थ करेंगे तो बनेंगे, तो जो पहचानेंगे तो बनेंगे, अपनी दुनियादारी में लगे हुए देवान की दुनियादारी में लगे हुए निकलने वाले ही नहीं है तो कैसे बनेंगे? बाप ने बोले ही ना एक कदम डालो सौ कदम बढ़ा देंगे, तो डालो ना। बाबा टीवी में आया 2012 में टीवी आ गई पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा और नई दुनिया बन जाएगी, वो किसकी बुद्धि में बन जाएगी? 76 में भी बाबा ने बोला, क्या बोला? पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी, वो किसके लिए बोला था? हैं? हैं? हाँ? बाप के लिए बोला बाप के लिए बोला, तो माँ अम्मा के लिए बोला? जो हिसाब निकालने वाला है ज्योतिषी है वो इस रहस्य को जानता ही नहीं है, उसे एडवांस ज्ञान मिलेगा तो वो भी जान जाएगा कि पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी चेंज करेगी 2012 में, असुरों की पाला से हट करके कहाँ जाएगी? देवताओं की पाला में जाएगी। कहते हैं बैल के सींग पर पृथ्वी रखी हुई है, ऐसे करते हैं तो दाईं ओर से लुढ़क करके बाईं ओर आ जाती है, तो पृथ्वी की धुरी चेंज हो जाएगी। वो तो सब कुछ होगा ही होगा, वो तो बाबा ने पहले ही बता दिया। बाबा ने बता तो सब कुछ दिया लेकिन अखबारों की बातें और टीवी की बातें तो ज्यादा असर करती है। जब दुनिया मानेगी तब हम मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। बाप आया हुआ है ना, बाप की बातें मानेंगे ना, हमारे ऊपर कोई असर पड़ने वाला है? बाबा उसकी अगर कोई निश्चय पक्का कर लेती है, मगर आ जाता है, मगर हम मन से जब सोचते हैं तो जो निश्चय किया हुआ है वो कमजोर पड़ जाता है। मन रूपी ब्रह्मा अच्छा या बुद्ध रूपी शंकर अच्छा है? ज्यादा ऊंचे कौन बैठा हुआ है? ऊंची कुर्सी पे कौन बैठा हुआ है? तो किसको फॉलो करना चाहिए, मन को
या बुद्धि को है? अरे किसकी बात माननी चाहिए है? बुद्धि की बात माननी चाहिए। बाबा जी और शंकर जी को समाधिस्थ बताते हैं तो वो स्टेज कब की है? सम माने संपूर्ण, आधि माने नीचे, संपूर्ण नीचे गहराई में, उनसे जाती समंदर गया सागर की गहराई में कोई जाता ही नहीं, इसलिए उनको सदा समाधि में कहते हैं। और फिर राख वाख फांसते हैं आम को ऐसे नीला? राख खाते नहीं है, राख लगाते हैं। ओ, फांसते हैं अलग सारे खाते हैं भगत लोग है? लगाते राख खाते हैं भगत लोग और लगाते हैं शंकर जी। शंकर जी के सारे शरीर में जो राख लगी हुई है वो राख बनने की बात है, भक्तों ने लगाना शुरू कर दिया, इसलिए बाप पूछते हैं कहते हैं अब देखेंगे राख कौन बनते हैं और कितने बनते हैं, और कोटों में से एक लाखों में से एक ऐसे अपने को देवान को राख बनाने वाले कितने निकलते हैं वो भी देखेंगे। और वो भैंस पर ये रेडे पर उनकी बारात बताते हैं ऐसे कैसे वैसे भूत बाधा सब यही बैठे काला कोट पहनने वाला होता है, काला कोट पहनने वाला होता है जो अन्याय को जानने वाला करते हैं। आज का वकील काला कोट पहनने वाला होता है हाँ? जो अन्याय को जानने वाला होता है। आज के वकील और आज के कोर्ट कचहरी न्याय अन्याय को जानने वाले हैं, फिर तो भगवान को आने की दरकार ही नहीं है। सत्य असत्य को जानने वाले हैं है? बोलते हैं तो कौन बोलता है? आप बोलते हैं, भगवान बोलता है? भगवान तो मुरली में बोलता है, आज के कोर्ट कचहरी और आज के जज और आज के न्यायालय ये हज्जाम है, हज्जाम सब मुड़ने माथा मुड़ने वाला। बाबा कलयुग की शूटिंग जो है 2004 में खत्म हो गई, जो मेन आत्मा है नंबर वन की आत्मा उसके लिए, उसके बाद में जो अभी अंतराल का पीरियड चल रहा है, तो इस पीरियड में जो आत्माएं अभी नई आत्माएं भर्ती करने के लिए जा रही है तो उसकी शूटिंग जो है वहाँ से अभी उसकी शूटिंग जहाँ से भर्ती हो गई वहाँ से उसकी शूटिंग स्टार्ट होगी सत्यु त्रेता द्वापर कलयुग की। जब जागे तब भोर सतो सतो सामान्य रजो तमो जब जागे तब भोर, भोर माने सवेरा, सवेरा माने सतयुग, सतयुग माने सतो प्रधान शूटिंग। तो चार चार साल का ही कैलकुलेशन में वो चलती रहेंगे ना बाबा? सबके लिए चार साल नहीं होता है, जब से जो ज्ञान में आता है तभी से शूटिंग शुरू होती है। बाबा 2012 में पृथ्वी की धुरी चेंज हो जाएगी, 2012 में पृथ्वी की धुरी चेंज हो जाएगी। कौन सी पृथ्वी की? ये चैतन्य। हाँ तो परिस्थिति कैसी होगी बाबा? परिस्थिति कैसी होगी? अरे एक आदमी की परिस्थिति होगी कि सबकी हो जाएगी? एक की धुरी बुद्धि की धुरी घूम जाएगी या सबकी धुरी घूम जाएगी? एक की घूम जाएगी, सबको क्यों समेल रहे हैं? एक के बाद फिर सबका नंबर लगेगा, इसीलिए तो बोला हुआ है शिव बाबा से वर्षा मिलता है प्रजापिता को, विश्व की बादशाही का वर्षा, और प्रजापिता से मिलता है जगदम्बा को, और जगदम्बा से मिलता है फिर नंबरवार सबको। तो भाई प्रजापिता से वर्षा तो मिलने वाला है ही नहीं, जगदम्बा से वर्षा मिलने वाला है, तब भगत बंदे में क्या हर्जा है? है कोई हर्जा है क्या है? नहीं नहीं बाबा, मग
अंदर तक तो बाबा से बाबा को याद करना है तो है? अंदर तक याद करने की बात थोड़ा ही चल रही है, यहाँ तो वर्षा की बात चल रही है। माँ के सिवा वर्षा नहीं मिलेगा सर? माँ के सिवा वर्षा थोड़ी मिलेगा। असली माँ कौन है तो भूल ही जाता है, असली माँ बुद्धि में से ही निकल जाती है। कौन है असली माँ? पार्वती हैं? अरे ये जगदम्बा वास्तव में तुम्हारी जगदम्बा, ये ब्रह्मा तुम्हारी वास्तव में जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए कन्याओं माताओं के चार्ज में इनको कैसे रखें, इसलिए जगदम्बा सरस्वती ओम राधे निमित्त बनी हुई है। ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है, ब्रह्मा की सोल जगदम्बा की सोल पार्ट बजाती है, वो ही सहन शक्ति का सबसे बड़ा पार्ट बजाने वाली है। माँ का पार्ट होता ही है सहन शक्ति का, जगदम्बा सहन शक्ति का पार्ट बजाती है या ब्रह्मा की सोल जगत सहन शक्ति का पार्ट बजाती है, है? ब्रह्मा की सोल सहन शक्ति का पार्ट बजा के दिखाया, जगदम्बा तो डब्बा है, उस डब्बे में आत्मा कौन है? ब्रह्मा की, वो अर्धनारीश्वर के शरीर में देखी जा सकती है, सूर्यवंशी आत्मा ही देख पाएंगे, और धर्मों से प्रभावित होने वाली होगी तो उनको नहीं देखने में आवेगा, नहीं तो इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार, ब्रह्मा के टाइम पर तो 300-400 का ही परिवार था जिनकी वो परवरिश करते थे, अभी तो 700-750 का परिवार है, इनकी पालना माँ के बगैर कौन करेगा? माँ के बगैर कोई पालना कर सकता है क्या? हो सकती है पालना? नहीं, नहीं हो सकती। और बाबा मन को रोकने के लिए क्या आपकी आपसे अमन बनेंगे बाबा? मन को रोकने के लिए अम्मा के सामने बाप को रख दो, मन अम्मा है, बुद्धि बाप है, मन कंट्रोल में नहीं है तो क्या करना चाहिए? बाप की याद नहीं होगी तो कैसे मन कंट्रोल होगा? बाबा मुरली में कहा कि 21 जन्म के लिए आते तो कभी गरीब नहीं बनते, और क्या वहाँ कोई गरीब बनता है क्या? रोटी दाल के लिए भीख मांगता है कोई वहाँ? बाबा कुछ दिन पहले मुझे सपना देखा है तो कि आत्माएं सब हम आत्माएं बैठी हुई थी, आप फिर बाहर देख रहे थे हम, फिर मैं दरवाजे के पास आई आपको देखी, शिव बाबा को देखने, तो शिव बाबा आए, शिव बाबा के ऐसे मिट्टी से रेती से पाँव भरे हुए थे, तो मैंने वो साड़ी के पदर से शिव बाबा के पाँव उठे, तो बाबा के चरण में कमल के दो फूल फूल थे, मैंने वो उठाए और उसका सुगंध लिया, ये क्या है बाबा? जो आज के साधु संत महात्माएं होते हैं ना, कन्याएं माताएं क्या करती हैं? उनके चरण धो के पीती हैं, माना उन साधु संत सन्यासियों के बुद्ध रूपी चरणों को साफ करने वाली कौन होती है? पुरुष होते हैं या कन्या माता है? कन्या माता है। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। किसके ऊपर? बाप के ऊपर। तो आपने अच्छा किया, उसके बुद्ध रूपी चरण धो दिए, मिट्टी ज्यादा लगी हुई थी देवान की, खराब तो नहीं किया, लेकिन फिर आपने ये भी देख लिया कि बुद्ध रूपी पांव जो है वो कमल फूल समान है, कमल फूल समान माना जैसे कमल होता है कीचड़ में रहता है लेकिन बुद्धि उपराम रहती है, ऐसी स्टेज वाला है। और चलेगा Thank you.
बस।